उत्तराखंड की हर खबर, सरकार के कामकाज पर रहेगी पैनी नजर। विकास की रफ्तार का क्या है हाल? भ्रष्टाचार के मुद्दों को करते रहेंगे उजागर। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर खासा जोर। सिर्फ यहाँ तो देखते रहिए हिमालय न्यूज़। नमस्कार, हिमालय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप बेदवाल और आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं उत्तराखंड की गायिका मंगला रावत से। मंगला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। मंगला जी, हम शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की आपके एक मांगल गीत से, क्योंकि आपने नेगी जी के साथ आपने मांगलों में गीत गाया। एक मांगल हम सुनना चाहेंगे। बोल कागा चौदीसी सहगुण, बोल कागा चौदीसी सगुण, आ बैठ कागा हारिया वृक्ष, आ बैठ कागा हारिया वृक्ष, दे द्यावा बाबाजी, दे द्यावा बाबाजी हल्दी को बांदा, दे द्यावा बाबाजी हल्दी को बांदा है, दे द्यावा माजी, दे द्यावा माजी हल्दी को बांदा, दे द्यावा माजी हल्दी को बांदा है। बहुत खूब, बहुत सुंदर अंदाज में आपने ये मांगल गीत गाया और हल्दी हाथ, शायद यही कैसेट का नाम था हल्दी हाथ, जो नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ आपने ये मांगल गीत गाया था। हाँ जी जी। मंगला जी, आपकी गीत संगीत यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? गीत की संगीत जो यात्रा शुरू हुई मेरी, फरीदाबाद में कार्यक्रम था, तो वो डांडी काठी कोई संस्था थी, उसमें मैं गाना गा रही थी, तो वहाँ पे देवराज रंगीला जी, जो आज मेरे झाबा जबीनी जजमानी कैसेट के सुपरहिट गायक थे, तो उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला, उस टाइम मैं मंगला गुरुंगी थी, तो उन्होंने बोला कि मंगला जी आप तो बहुत ही सुंदर गाती हैं, वो भी पहाड़ी गाने गा रही हैं, गढ़वाली गाने गा रही हैं, आप कुमाऊनी गाने गा रही हैं, आपके साथ भी रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ सोनो टॉन कंपनी में। मैंने कहा मैं तो खुश हो गई, मैंने कहा क्यों नहीं गाऊँगी, उन्होंने बोला गाना चाहती हो, मैंने कहा ऑडियो में क्यों नहीं गाऊँगी मैं, तो फिर हम सोनो टॉन कंपनी में मेरी हमने रियाज किया, सकरपुर में उनके घर में, राइजी घर में हमने रियाज किया, और तो सोनो टॉन कंपनी में मेरी कैसेट निकली थी, जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर थे हमारे चरणजीत औजा जी, तो एक झापा जज मैंने कैसेट निकली वहाँ से सोनो टॉन से, सुपर हिट रही हमारी कैसेट, सुपर डुपर हिट हुई गढ़वाल में ये कैसेट झापा जजमनी। झापा जजमनी का एक गीत स्वर्ण कुएड़ी फुरफुर आंध काफ़ी सराहा गया, अभी भी लोग उस गीत को याद करते हैं। हम चाहेंगे कि हिमालय न्यूज़ के दर्शकों के लिए आप वो गीत गुनगुना दें। स्वर्ण कुएड़ी फुरफुर आंधी
ऊंची डांडी काठियों मां, तुम बिना स्वामी पट मोरी जोलो, न्यू गेरी गद न्यू मां, सोनी कुएड़ी लोकों की चिट्ठी सर आई गैनी, लोकों की चिट्ठी सर आई गैनी, दुई चार दिनों माँ हमारी चिट्ठी नी आई घर, बिंडा दीना वे गैना सोनी कुएड़ी। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब मंगला जी, आपने सोन कुएड़ी की जो बात बताई और उस दौर की बात बताई जब चिट्ठियाँ ही जो हैं एक दूसरे को संदेश दिया करते थे। आज का हाईटेक जमाना है, मोबाइल एसएमएस और व्हाट्सएप आ गए हैं, लेकिन वो दौर याद दिलाया आपने कि जब परदेश गए पिया की चिट्ठी नहीं आती थी तो विरहन का दिल कैसे डोलता था, इस गीत में आपने उसका वर्णन किया और ये गीत एक ज़माने में काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। मंगला जी, हम चाहेंगे कि झांपा जजमनी का एक और गीत जो काफ़ी प्रचलित था, कफुले रंग की घघरी तेकु कुजी लालो। जी हाँ, वो गाना भी काफ़ी हिट रहा है, वो हमारा ड्यूट गाना था रंगीले जय के साथ, वो था कफुले रंग की घघरी में कुजी लालो, कफुले रंग की घघरी में कुजी लालो, कफुले रंग की घघरी में कुजी लालो। मंगला जी, जब झांपा जजमनी की बात आती है तो कोई गाना ऐसा नहीं है कि जिसको भूलने का मन करे, जिसको छोड़ने का मन करे। पंडित रे जोड़ी बोटी आली हाँ बे किसी दुरा नोटाला, पंडित रे जोड़ी बोटी जाली। बहुत खूब। मंगला जी, ये बात हुई झांपा जजमनी की, आपने लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ भी गाया था और हौसिया उमर नाम से एक कैसेट आई थी। हम चाहेंगे कि हमारे न्यूज़ के दर्शकों के लिए आप हौसिया उमर का एक गीत गा दीजिए। धरती हरी डांडी कांटी हरी हरियाली, धरती हरी डांडी कांटी हरी हरियाली, मिनी भी देखा देखी साड़ी हरी प्याराली प्याराली, धरती हरी ओ। मंगला जी, जिस टाइम पे आपने गाना शुरू किया था उस टाइम पे खास तौर पे पहाड़ में लड़कियों का गायन के क्षेत्र में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था, तो किस तरह आपने संघर्ष किया और कौन कौन लोग थे उस दौरान के जिन्होंने महिलाओं ने या लड़कियों ने गाना शुरू किया था? सबसे पहले तो मैं अपने पापा की, अपने जो मेरे पापा मेरे फादर थे वो काफ़ी सत्संगी थे, वो उनकी देन है मेरे पे। उस टाइम हमारे ज़माने में बहन हमारी सुनीता बेलवाल जी हो गई और रेखा दसमाना जी हो गई, हम ही कलाकार थे और हम उस टाइम के टाइम में कलाकारों में इतना प्रेम था, इतना हमारा आपस में कल्चर के लिए हम मरते थे भागते थे। अब तक भीड़ चाल हो रखी है, उस टाइम की बात अलग थी अब की बात अलग। जी बहुत बढ़िया, आपने कहा कि पुराने दिनों की बात ही कुछ और थी, एक लगाव था, एक अपनत्व था और एक टीम वर्क था। अच्छा, रियाज में अब जो बात आती है, अब जो है कि इंस्ट्रूमेंट काफ़ी हाईटेक हो गए, नए इंस्ट्रूमेंट आ गए, तो रियाज पहले कितना करते थे, क्या अब रियाज घट गया या पहले ज़्यादा था? नहीं, रियाज पहले का सेम वही बात है, पहले भी हम वैसे इतना ही रियाज करते थे और आज भी वही है, तो रियाज भी हम लोग काफ़ी, हमने मेहनत काफ़ी करी है, हमने काफ़ी मेहनत करी है। हम हफ्ते हफ्ते दिन जैसे राय जी के, हम किसी घर में भी बैठ के हम पूरी प्रैक्टिस अभी भी करते हैं, हम रियाज करते, कोई हमारी नई एल्बम आती है जी रियाज करते हैं। एक कोई वाकया, कोई घटना, कोई ऐसी वाकया कि मंगला रावत भीड़ में जाती हैं और लोग पहचानते हैं, अरे ये वही हैं जिन्होंने फलाना गाना गाया था, कुछ ऐसी यादें आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगी? मैं तो अभी भी जहाँ भी कहीं जाती हूँ मेरे को तो लोग दूर से पहचान जाते हैं कि भाई मंगला राव जी जा रही हैं।
मंगला रावत जी जा रही हैं, ये वही मंगला रावत हैं जिन्होंने नमस्ते करते हैं जी। हम तो कहीं दूर प्रोग्राम में भी जाएंगे, होटल में भी ठहरेंगे, तो पहले वहाँ के जितने भी काम करने वाले हमारे भाई बंद होते हैं ना, वो कहते हैं मंगला रावत जी हैं। मैं कहती भैया तुम कैसे पहचानते हो? कहते नहीं दीदी, हम आपको दूर से पहचान लेते हैं। आप वाक्य की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ। हमारा प्रोग्राम था वहाँ पे, ये आपका भारत मिल नहीं है, वहाँ पे प्रोग्राम था नरेंद्र सिंह नेगी के साथ, हमारी नाइट थी वहाँ पे। तो उस दिन राजेश खन्ना जी भी आए थे वहाँ पे, तो राजेश खन्ना जी भी आए थे, तो वहाँ पे किसी ने प्रोग्राम देखा हुआ मेरा। तो मैं लोधी रोड जा रही थी रिहर्सल के लिए, अपनी एल्बम के लिए, प्रोग्राम के लिए। तो एक लड़का खड़ा हो गया, सीट में बैठा हुआ था, बस में चढ़ी थी मैं, उन्होंने सीट छोड़ दी, कहा दीदी आप बैठिए। तो मैंने कहा भाई आप क्यों उड़ गए हो, आप ये जानते हैं? कह रहा दीदी आपको कौन नहीं जानता है, आप हमको नहीं जानती है, हम आपको जानते हैं, सारी दुनिया आपको जानती है, आप किस किस को जानेंगे, आपको सब जानते हैं जी। बहुत बड़ी उपलब्धि होती है एक कलाकार के लिए कि उसके गायन की वजह से उसको जनमानस में पहचाना जाता है, बहुत बड़ा सुकून मिलता है कि आपका जो गायन है, आपकी जो विधा है, उस विधा के जरिए आपको जनमानस में पहचान मिलती है। मंगला जी, आपने बात की कि आपने देवराज रंगीला जी के साथ गाया, आपने नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ गाया, अब हम बात करना चाहेंगे और कौन से गायक गढ़वाल, कुमाऊँ और जौनसार के थे जिनके साथ आपने गीत यात्रा की। मैंने टीरी के जो हमारे प्रथम वर्तमान जी हैं उनके साथ गाया, तौसा बो काफ़ी सुपरहिट कैसेट थी, वो हिट रही हूँ कैसेट, आज उसी एल्बम के नाम से आज प्रथम वर्तमान जी को जाना जा रहा है। संभवतः ये पहली कैसेट थी प्रीतम जी की। हाँ जी बिल्कुल, पहली एल्बम थी। तो हम चाहेंगे कि हिमालय न्यूज के दर्शकों के लिए आप तौसा बो का कोई गीत गुनगुना दीजिए। दूर जी दूधा भरी से रे, दूर जी दूधा भरी से रे, दूर जी ऐसो काचो मासा, दूर जी डांडू जाली डेरी, दूर जी दूध भरी से रे, दूर जी दूध भरी से रे, दूर जी ऐसो काचो मासा, दूर जी डांडू जाली डेरी, दूर जी डांडू जाली डेरी। बहुत खूब मंगला जी, आपने तौसा बो का ये गीत सुनाया, बहुत पुरानी यादें ताज़ा कर दी, और ख़ास तौर पे प्रीतम जी की जब पहली कैसेट थी, ये कैसेट आप लोगों की काफ़ी हिट हुई थी, बात टीरी की नहीं पूरे उत्तराखंड में ही इस कैसेट को काफ़ी सराहा गया था। आपके गीत की और संगीत की भी और बातें जारी रहेंगी, फिलहाल यहाँ एक वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिएगा हिमालय न्यूज़। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की गायिका मंगला रावत से। मंगला जी, कोई ऐसा माहौल जिसमें कि आपको लगा हो कि आप गायिका नहीं होती तो शायद जीवन में कुछ छूट जाता, ऐसा कुछ लगता है क्या? मेरे को तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है। अब मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर मैं गाना नहीं गाऊँगी, मैं अगर सिंगर नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं होती आज, क्योंकि जिस हादसे से मैं गुजरी थी, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया था, डॉक्टर्स उन्होंने भी बोला था मुझसे कि भाई मैडम आप सिंगर हैं तो आप ज़िंदगी से इतनी निराश क्यों हो गई हो, आप तो इतनी बड़ी कलाकार, क्या सुना हम तो इतनी बड़ी कलाकार हैं आप हैं, तो आप तो अपने दुख को, अपने अगर आपको तकलीफ दुख है तो आप उसकी
मतलब उसी आप तो गानों के साथ मतलब अपना दिल बहला सकती हो, रो भी सकती हो, हंस भी सकती हो। जी, संगीत जो है एक दवाई का भी काम करता, बहुत अच्छी बात आपने की कि एक जो औषधि का काम करता वो संगीत भी करता, और जब आदमी स्वयं एक गायक हो तो उसमें वो दवाई बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है। मंगला जी, हमें याद है जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन था तो दिल्ली में बात जंतर मंतर की हो या फिर पार्लियामेंट स्ट्रीट की हो, वहाँ पर भी आप जन आंदोलन में गाने गाया करती थी, आंदोलनकारियों में जोश और ऊर्जा का संचार किया करती थी। कोई ऐसा गीत उत्तराखंड आंदोलन का जो आपकी यादों में बसा हो? जाग गए नींद दी भूलो उत्तराखंड की, अब प्रचंड होगी नारी उत्तराखंड की। जाग गए नींद दी भूली उत्तराखंड की, अब प्रचंड होगी नारी उत्तराखंड की, उत्तराखंड की, उत्तराखंड की। बहुत खूब, बहुत बेहतर, आपने याद दिला दिया वो नारा जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान अक्सर लोग बोलते थे, जिस नारे को कि फूल नहीं चिंगारी है और उत्तराखंड की नारी है। मंगला जी, आपने टिहरी के कई लोक कलाकारों के साथ गाया है, कुछ यादें, कुछ गीत उन लोक कलाकारों के साथ, जैसे कमन नयाल डबराल जी हो गए, दिनेश उनियाल जी हो गए, उनके साथ जो गीत आपने गाए हैं कुछ हम सुनना चाहेंगे। गाड़ी को घूंघट सभानु मी भलो लग दो सोभनु, तेरी गाड़ी को घूंघट सोभनु, लोहा गाड़ी बाटा सोभनु, लोहा गाड़ी बाटा सोभनु, सोभनु मैं भलू लग दू सोभनु, तेरी गाड़ी को घूंघट सोभनु, सोभनु मैं भलू लग दू सोभनु, तेरी गाड़ी को घूंघट सोभनु, तेरी गाड़ी को घूंघट सोभनु। मंगला जी, ये गीत आपने कौन सी कैसेट में गाया था और आपके साथ गायक कौन थे? ये भैया हमारे कमल एंड डबराल जी हैं, और ये रामा कंपनी से निकली थी। ये इस एल्बम का नाम है भाग्या नीबो। ये सुपर हिट ये कैसेट है, हमको प्राइज भी दिया था हमारे रामा कंपनी के वालों। जी जी, आपके हुनर को, आपकी कला को काफ़ी सराहा था, कंपनी वालों ने भी सराहा था, और जनमानस में लोगों ने भी इस कैसेट को, इस नंबर को काफ़ी सराहा था। दिनेश उनियाल जी के साथ आपने कुछ गाया हो? दिनेश मिलेज मैंने गाया है, रसलों का बोण तुना बाजू बंद नीलाणू हाँ, मेरी चकल गेरे जिकुड़े खुदेड़ पराण, खुदेड़ पराण, खुदेड़ पराण। ये तो मेरा सोलो सॉन्ग था, पर इसमें जो मेरा डुएट था वो मेरी ये एक सीरियल आया था अभी घुटन सीरियल किरण कुमार जी का, उसमें भी इस गाने को रखा गया था, जौन सारी की शूटिंग में दिखाया गया था, वो फिल्माने उन्होंने वहाँ फिल्माया था, तो ये मेरा गाना उसमें डाला गया था। ये सेरा की सवाई पावाना, सेरा की सवाई लो छाला ढूंगा खोटी रड़ाली बाटा का सेंडला लो, छाला ढूंगो खोटी रड़ाली बाटा का सेंडला लो। पुरानी यादें आपकी ताज़ा हो रही हैं, आप साझा कर रहे हैं हमारे न्यूज़ के दर्शकों के साथ। मंगला जी, ऐसा होता है कि जब आदमी अपने चरम पे होता है, कोई कलाकार अपने कला के चरम पे होता है, तो उस दौरान जो तालियों की गड़गड़ाहट होती है, और ख़ासकर हम कलाकारों के लिए कहें तो जो सीटियां बजती हैं, जब कलाकार अपने गाने गाते हैं जो सीटियां बजती हैं, वही एक पूंजी होती है, वही पूंजी एक कलाकार की होती है। लेकिन आज आपको क्या लगता है कि क्या मंगला रावत अभी अपना बेहतर देना अभी मंगला रावत का बाकी है? मंगला रावत अपनी कला का 100% नहीं दे पाई अभी? आप कितने संतुष्ट हैं अभी तक जो गाया है आपने?
मैं तो आज भी बहुत खुश हूँ मैं, और जब तक मैं यार सांस रह लूँ तब तक भी मिल गई थी गाना। और मैं यार तीन भी बोली चीज अगर जब मैं मोर भी जोड़ ना तो कम से कम मैं तो पहले नहीं ले जाए। मंगला जी, जीने की बात कीजिए, जीने की बात कीजिए, जीवन जो है जीवन की बात कीजिए, जीने की बात कीजिए। सवाल ये है कि अब कोई ऐसी चाहत, कोई ऐसा सपना कि जिसमें लगे कि मंगला रावत का भी बेहतर आना बाकी है, आपका कोई ऐसा ड्रीम? जी हाँ बिल्कुल, मैं तो आज भी उम्मीद और उम्मीद कर दूँ भी छे, कर दूँ भी तुम्हें कि आप जो आने वाले दिन भी छे मैं यार बढ़िया दिन आ लूँ और भी बढ़िया आ लूँ। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा मंगला जी का मानना है कि उनके जीवन का जो बेहतर है, जो एक कलाकार का बेहतर, वो आना भी बाकी है। मंगला जी एक सवाल और, उत्तराखंड समाज के बारे में आपका क्या सोचना है कलाकार के नज़रिए से? उत्तराखंड समाज को जो आपने दिया है गायक के नाते, क्या समाज से आपको उतना रिटर्न मिला है? मैं तो उत्तराखंड समाज से बहुत ही प्यार करन में और सारा जीवन उत्तराखंड ही छाई वहीं लाग छाई मेरे, और बहुत ही अभी भी बहुत सम्मान कर दूँ मैं उत्तराखंड से, बहुत ही बढ़िया मनंद में और हार्दिक इच्छा से मेरे उनको गीत गोमी उनको संस्कृति हमेशा जागरूक। नेपाल की बेटी गढ़वाल की बहू बन जाती है और आत्मसात कर लेती है गढ़वाल के जनजीवन को, लोक भाषा को, लोक साहित्य को और लोक संस्कृति को, ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ही गढ़वाल में? गढ़वाल मुझे से अच्छा लगता है क्योंकि मेरा ससुराल भी है जी। फिर मैं क्योंकि मैंने नेपाली गाने तो कम ही गा रखे हैं जी। शुरू से मैंने बचपन से ही गढ़वाली गाने गा रखे हैं, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के हमारे अड़ोस पड़ोसी भी सब हमारे गढ़वाली हैं, और तब मैं गढ़वालियों के सिर अच्छा मानती हूँ क्योंकि मैं वहाँ के गाने गाती हूँ। वहाँ के गाने गाते हैं, सीधे साधे सच्चे और भोले होते हैं। मंगला जी आपने अपनी गीतों के बारे में बताया, एक कोई ऐसा गीत जो दूसरे कलाकार को और आपको अपने दिल के करीब लगता हो, आपको अक्सर गुनगुनाना वो गीत अच्छा लगता हो, भले ही आपने ना गाया हो, आपको लगता हो कि काश ये गीत मैं गा पाती ऐसा? हाँ ये आपने सही पूछा है क्वेश्चन कि कोई गाना ऐसा होता है कि कोई गा रहा होता है ना जी तो हमारे दिल में कुछ होता है, मतलब कि रोंगटे खड़े होते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं, लगता है कि हाँ मैं भी इस गाने को मैं भी इस गाने गाऊं। कोई ऐसा गीत, चलिए नेगी जी, राही जी, किसी का भी एक गीत, नेगी जी का गीत, राही जी का गीत, रंगीले जी के, दिनेश सुनियाल जी का, कोई एक गीत जो आपको अक्सर पसंद हो? मेरे को तो भाई नेगी जी का गाना बहुत पसंद है, मेरा डांडी गाठी मुल्लों को जाई बसंत ऋतु। दो दो लाइन गुनगुना दीजिए। मेरा डांडी गाठों को मुल्क जेलो बसंत ऋतु माजे, बसंत ऋतु माजे, बसंत ऋतु माजे। ये बहुत ही प्यारा गाना है मेरा, जब भी हम नेगी के प्रोग्राम में जाते थे और मिलते थे मैं कहती थी भेजी ये गाना तो ज़रूर सुनाना अब स्टेज में, तो मैं फरमाइश करती थी इस गाने के लिए, भेजी आपने इस गाने का जरूर गाना, फिर गाते थे इस गाने को, ये हमारे दिल को छूता था ये गाना। ये गाना दिल के करीब आपको लगता है और अक्सर आप इस गाने को गुनगुनाती हैं। मंगला जी आपने उस दौर में गाना शुरू किया जिस दौर में गिनी चुनी लड़कियां ही गाना गाती थी, खासतौर पर गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी में। आज की युवा पीढ़ी, आज की जो नवोदित प्रतिभाएँ हैं, चाहे वो लड़कियाँ हैं चाहे वो लड़के हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? नहीं, आप उम्र के इस मुकाम पे हैं, आपने गायन में वो दर्जा हासिल किया है कि आप एक संदेश, एक सीख जरूर दे सकती हैं युवाओं को। सीख तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अच्छे गीत गाओ और अच्छे अच्छे गाने गाओ, अपने संस्कृति प्यार करो, और जैसे हमने मेहनत की है, हमने तो बहुत संघर्ष किया था, हमने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया था उस टाइम, हम इतनी वो नहीं थी, पब्लिसिटी नहीं होती थी जी। बहुत परेशानी होती थी हमको जी, वो दौर कुछ ऐसा था कि लोग अपने पैसे लगा के भी कैसेट निकालते थे, कुछ ऐसा भी पैसे लगा के कैसे निकालते थे सब बेचारे, घर से कोई कोई अपनी नथ लेके आ रहा, कोई अपनी बुलाक लेके आ रहा, ऐसे कर आते थे, हमारे घर में भी आते थे, हम बोलते थे भुला अपने घर जाओ और कोई कुछ ही रखा हुआ अपना नौकरी वोकरी करो, ये करो, ये तो ये पार्ट टाइम है, जो जो मुकाम पर आ गया वो सही है, जो नहीं आया तो कुछ नहीं है।
आज की युवा पीढ़ी रातों रात स्टार बनना चाहती है, कोई मंगला रावत की तरह संघर्ष नहीं करना चाहता, इस पीढ़ी के लिए आपको क्या सुझाव है? क्योंकि एक नंबर आने के बाद, एक कैसेट आने के बाद आदमी अपने नाम के साथ लोक गायक लगा देते हैं। क्या कुछ कहना आपको इस परिपाटी पे? नहीं, अब तो ऐसा है कि एक एल्बम निकलती नहीं है। आज के बच्चों में ये फ़र्क पड़ गया है। उस टाइम हमको तो पता भी नहीं लगता था कि हम क्या, मतलब कि हम स्टार बन गए, क्या बन गए, पर आज के बच्चों में इतना तो फ़र्क भाया कि एक एल्बम निकलती है, चाहे वो चले ना चले, पर अपने आप को समझते हैं कि मेरे से हमारे से बड़ा कोई सिंगर है ही नहीं, हमारे से बड़ा स्टार कोई है ही नहीं। यहाँ आजकल के बच्चों में तो चीज़ देखी गई है, पहले ये चीज़ फ़र्क नहीं पड़ता था हम लोगों में, कि उस टाइम हम गिने चुने कलाकार होते थे, हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि हमारी एल्बम निकल रही है तो सुपर हिट हो गई, तो खुशी तो क्यों नहीं हुई हमको कि हम सुपर हिट हो रहे हैं, पर आजकल के बच्चों में वो चीज़ नहीं है। बहुत अच्छी बात मंगला जी ने कही। मंगला जी ने कही कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनमें से गिने चुने ही लोग हैं जो मेहनत करना पसंद कर रहे हैं, वरना सब स्टेज में चढ़ने की जल्दबाजी में है, हड़बड़ी में है और रातों रात स्टार बनना चाहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए, ऐसी प्रतिभाओं के लिए मंगला जी का एक ही संदेश है कि वो मेहनत करें, सफलता का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता सिवाय मेहनत के। मंगला जी, आपने पहाड़ के तमाम दिग्गज कलाकारों के साथ गाया है, कुछ और नाम जिनके साथ आपने गाया है, चाहे वो गढ़वाल के हों, कुमाऊँ के हों या फिर जौनसार भावर के हों? कुमाऊँ के हमारे नैनर रावल जी, गोपाल बाबू गोस्वामी जी, उनके साथ मैंने गाना गाया। टी सी से दो एल्बम निकली थी मेरी नैनर रावल जी के साथ, वो काफ़ी सुपर हिट रही, वो भी दो एल्बम निकली थी हमारी, उसमें ये गाना था घुट घुट बाडुली लागीरो के घुट घुट बाडुली लागीरो सुवा तेरी याद आईरो सुवा तेरी याद आईरो ओ सुवा तेरी याद आईरो घुट घुट बाडुली लागीरो। ये भी गाना था उसमें, और एक वो गाना भी बहुत हिट हुआ था, नून पिसे सिले माँ, नून पिसे सिले माँ, हाय ककड़ी झिले माँ, नून पिसे सिले माँ, हाय ककड़ी झिले माँ, ओ द्यूरा बैठी रो छे म्यारा दिल माँ, ओ द्यूरा बैठी रो छे म्यारा दिल माँ। बहुत खूब। देवर भाभी की नोकझोंक वाला ये गीत काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, काफ़ी प्रचलित हुआ था। मंगला जी, आपने हिमालय न्यूज के लिए टाइम निकाला, अपनी पुरानी यादें साझा की और अपने गीत गुनगुनाए और अब बताया कि कैसे एक नेपाल की बेटी गढ़वाल की बहू बन जाती है और फिर उसको पूरा गढ़वाल, पूरा उत्तराखंड क्यों अच्छा लगता है, तमाम चीज़ें आपने हमसे साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके भी।